इसका आर्डर भी बढ़िया है, A1 गाय है, बहुत अच्छा दूध दे रही है। कहते हैं ना ज्यादा हाई लीटर वाली गाय को मस्टैट्स वगैरह आ जाती है, ये इतनी गाय मैंने आपको 4-5 गाय अभी दिखाई है, किसी को मस्टैट्स का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सारे वीर भैन भरावों नूं भाई सति श्री अकाल, नमस्कार। वीर जी अज जिहड़ी वीडियो बनाउण लग्या, मेरे कोल कुछ एनीमल्स होए सी, मैं कहा दिखा दस दईए तुहानूं उहनां बारे। आ जो एनीमल बारे मैं बता रहा हूँ वो मेरे को हाई यील्डर एनीमल आए हैं, कोई फर्स्ट लैक्टेशन है, कोई सेकंड लैक्टेशन है, बढ़िया दूध दे रहे हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। ये बैड खड़ी है, जो ये वाली बैड ये सेकंड लैक्टेशन है मेरे पास। अभी इसको 15 दिन हुए हैं मेरे पास सुई हुई को, इसको अभी 42 लीटर दूध दे रही है। ये 40-120 की है, डेनमार्क का सीमन था, इसकी माँ डिस्कवर की थी। ये डेनमार्क की सीमन की है, ये बहुत बढ़िया ऑर्डर है, बहुत बढ़िया लेवा है इसका। खुली है, छोड़ी हुई है मेरी, अभी पीछे से भी बहुत चौड़ी है जी। ऐसी गायें जब ब्रीड अपने पास तैयार हो जाती है थोड़ा टाइम जरूर लगता है। किसी मेरे भाई ने डेयरी फार्म करा, थोड़ा टाइम लगेगा, दूध बढ़िया होता है। ये जो ये गाय है जो मेरे फार्म की है, ये गाय सबसे पहली बछड़ी है मेरे फार्म की। ये पहले मेरी जितनी गायें हुई थी उनमें से पहली बछड़ी, इम्पोर्टेड सीमन की पहली बछड़ी ये है, बकाडो की है। ये बकाडो सीमन वर्ल्ड वाइड का था। इसको सूए हुए अभी 10-15 दिन हुए हैं, इसके जेर की प्रॉब्लम भी आ गई थी थोड़ी सी, फिर भी अभी भी ये 45 लीटर दूध पे करीब चल रही है। ये इसका आर्डर देखो, और ये देखो खड़ी है ना, इसका आर्डर देखो, ये देखो सबसे बड़ी है, उम्र में भी बड़ी है ये गाय, देख लो। ये मैंने सेल नहीं की, ये मेरी फर्स्ट बछड़ी है मेरे फार्म की। देखो आर्डर में, यहाँ देखो लाइन, पूरा आर्डर पूरा बढ़िया दूध। कम से कम ये 8वीं लैक्टेशन पे है, 8 लैक्टेशन हो गई इसको, इतनी बड़ी गाय है। ये हमने सेल नहीं की अपने फार्म पे, इसकी काफी बछड़ियां ली है मैं, इसको सेल भी नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया गाय है ये। ये है टॉर्स, वो वाली टॉर्स की गाय है, वो दिखा बेटा, वो टॉर्स का सीमन है, उसका आर्डर देखो, वो भी सबसे बेस्ट है गाय। अगर आपने खरीदना भी हो ऐसे आर्डर वाली गाय खरीदनी चाहिए, पीछे को भी आर्डर हो, आगे को भी आर्डर हो, देखो ये सुपर क्लास है भाई ये गाय, देखने भी पीछे से भी बढ़िया है ये गाय। ये बड़ी गाय है मेरी, देख लो इसका आर्डर भी देख लो। इसको तो काफी लैक्टेशन हो गए, ये बड़ी गाय, वो सेकंड लैक्टेशन की दिखाई थी मैंने आपको दोनों गायें। अब मैं आपको फर्स्ट लैक्टेशन गाय दिखाता हूँ जिसका 40 लीटर दूध है। ये गाय भी मेरे पास सेकंड लैक्टेशन है, ये इंडिपेंडेंस का सीवन था ये वाली, ये भी 40+ चल रही है ये मेरे पास गाय। इसकी हाइट भी बहुत है, इसकी मदर की हाइट भी काफी है, इसका आर्डर भी बढ़िया है। A1 गाय है, बहुत अच्छा दूध दे रही है। कहते हैं ना ज्यादा हाई लीटर वाली गाय को मस्टैट्स वगैरह आ जाती है, ये इतनी गाय मैंने आपको 4-5 गाय अभी दिखाई है, किसी को मस्टैट्स कभी भी नहीं आई, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई मस्टैट्स की। वो फर्स्ट लैक्टेशन गाय वो खड़ी है हमारी, जो अच्छा दूध दे रही है जी। ये गाय है मेरे पास, ये भी अभी हो गए 7-8 दिन ये सुई हुई, ये भी अभी 40 लीटर के करीब चल रही है। इसका आर्डर भी देखो, बहुत बढ़िया आर्डर है इस गाय का। ये भी मेरे पास सेकंड लैक्टेशन है भैया ये गाय भी। और ये बता रहा है इसकी ना पीछे से पाँव रख दिया था किसी एनिमल ने, ये फर्स्ट लैक्टेशन गाय है मेरे पास, जो 30+ दूध पे अभी चल रही है। अभी और दूध बढ़ जाएगा इस गाय का, अभी इसका ब्लड आने लगा है, अभी सुई है ये गाय। इसका आर्डर भी बहुत अच्छा है भैया, ये फर्स्ट लैक्टेशन है मेरे पास। अब सर्दी में काफ़ी गायें सुई है, काफ़ी अच्छा दूध दे रही है, बढ़िया दूध दे रही हैं गायें। ऐसी बात है भैया, धीरे 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 जाके अपनी ब्रीड तैयार होती है। अगर हम मेरे को भी इतना टाइम हो गया, धीरे धीरे जाके ब्रीड तैयार हुई है। जब अच्छी ब्रीड तैयार हो जाती है फिर फर्स्ट लैक्टेशन आपको 25-30 लीटर फिर दूध देती हैं, अगर आपके पास अच्छी ब्रीड तैयार हो जाती है। कोशिश करो अगर आपको 30 लीटर वाली गाय मिलती है तो उसके 40-45 लीटर वाला टीका, पूरी जानकारी लेके वो टीका भरो उसको, और अगर अच्छा सीमन लगाओगे तो अच्छी ब्रीड तैयार होगी। सारा फोकस आपने सीमन पे करना, मैं अगली वीडियो सीमन पे जरूर करूंगा। जो मेरी एक नंबर गाय है उसको मैंने गलती से 10-15 दिन बोल दिया था, उसको एक महीना हो गया, उसको जो 8 लैक्टेशन है मेरे पास उसको एक महीना हो गया। अब वह 42 से 45 लीटर के करीब दूध दे रही है, अभी डेली दूध बढ़ रही है। वो दूध एक्स्ट्रा मैं कोई चीज़ नहीं देता दूध बढ़ाने के लिए, मैं क्या डालता हूँ, साइलेज डालता हूँ।
साइलेज के साथ एक गाय को 25 से 30 केजी साइलेज होता है, जिस तरह खाने लग जाए उतना डालता हूँ उसको, और फीड डालता हूँ अकॉर्डिंग टू 2.5 किलो दूध के हिसाब से 1 किलो फीड डाल देता हूँ, ग्रुप बना ग्रुप के हिसाब से उतनी फीड डाल देता हूँ, साथ में तूड़ी होती है 2 किलो या 1.5 किलो तूड़ी डालता हूँ। बस यही है मेरे डेली का रूटीन उनको खिलाने का, कोई लेटी वगैरह कोई ऐसा नहीं, कोई लेटी वगैरह देता हूँ या और, इससे ही दूध बढ़िया दे देती है। जो आपको पता है सीमन अच्छा लगा है, अच्छी लैक्टेशन वाली गायें हैं, अच्छे सीमन वाली गायें हैं, वो दूध देगी देगी। अगर मदर भी बढ़िया है, सीमन भी अच्छा लगा है, वो दूध देगी देगी। अब सीमन में, सीमन के ऊपर बहुत लोगों ने बोला है अभी वीडियो करो, नेक्स्ट वीडियो मैं सीमन के ऊपर करूँगा। एक तो नया सीमन आने वाला बहुत है, PDFA में जो मेला लग रहा है 11, 12, 13 दिसंबर को जगराऊँ पशु मंडी में मेला लग रहा है, वो उसमें ज़्यादातर सीमन वाले सभी आते हैं, जितने इम्पोर्टेड सीमन सप्लाई करते हैं और इधर वाले भी, हिसार के जो भैंसों का सीमन होता है, हिसार बोवाइन HLDB भी सारे होते हैं वो वहाँ पे, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वहाँ से मिल सकती है अगर आप वो अटेंड करो। जो नया डेयरी फार्म करना चाहता है वो तो ज़रूर आओ मेले पे। अगर एनिमल ख़रीदना भी चाहता है वहाँ पे, एनिमल सेल करने वाले भी बहुत आते हैं, अगर आपको वहाँ पे अच्छा एनिमल मिल जाए, अच्छी बछड़ियाँ भी बहुत होती हैं वहाँ पे, कई लोगों का फ़ोन आता है अंकल जी बछड़ी दे दो, वहाँ पे लोग बछड़ी लेके आते हैं, वो सेल भी कर देते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं आप वहाँ से। कई लोग ये पूछते हैं मेरे से भी, मैं फार्मर से कैसे कॉन्टैक्ट करें हम डेयरी फार्मर से, वहाँ पे सारे डेयरी फार्म की क्रीम आती है, वहाँ से आप सारे डेयरी सारे वहाँ टेंट लगे होते हैं, अपनी गायें बांध रखी होती हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनका नंबर ले लो वहाँ से, अगर आप कोई अच्छी गायें और अच्छी बछड़ी खरीदना चाहते हो आप डायरेक्ट खरीदो फार्मर से। अगर आप मेला अटेंड करोगे तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना लोगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाने से आपके पैसे की बचत हो जाएगी और आप डायरेक्ट उनसे गायें खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था, वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।